स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो है शमशेरा का, जो ऑफिशियल टीजर आया है तो उसी के ऊपर आज रिएक्शन देंगे। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करेंगे। यशराज ओहो, हिस्ट्री का कुछ बता रखा है, अभी का टाइम समझो। ओए होए, टू सेव हिज ट्राइब, क्या बात है। क्या ट्रेलर है। शमशेरा करम से डकैत। कितना अच्छा ट्रेलर था इसका, जो टीजर था वो काफी अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ये ट्राइबल होते हैं, तो अपनी जो ट्राइब है उसको सेव करने के लिए सब कुछ जो मूवी है ये आने वाली है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था स्टार्टिंग के अंदर टू सेव ट्राइब, तो उसकी ट्राइब को जो उनकी जो ट्राइब होती है उसको सेव करने के लिए सब कुछ करते हैं। दूसरी बात ये कि करम से डकैत बताया गया, इसका मतलब कोई जो डाकू टाइप के जो होते हैं, जिस तरह से पंडारी बताए गए थे हमें वीर मूवी के अंदर, तो उसी तरह से कोई जनजाति है जो जाती है और डके मतलब जो डकैती वगैरह होती है वो करती है, और कुछ ऐसा होता है बाद में आगे चलकर जिसकी वजह से उनकी जनजाति पर खतरा हो जाता है, और उसको बचाने के लिए आगे जो भी प्रयास है वो करेंगे इस मूवी के अंदर। मतलब टीजर से ये प्रिडिक्शन लग रहा है अभी तक जो मतलब भी इसमें हम इसके अलावा हम संजय दत्त की बात करें तो बैक टू बैक वो कितना बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं, मतलब केजीएफ के अंदर अधीरा और इसके अंदर भी उनका रोल कितना यूनिक है, कितना राशु है। मतलब विलन के रोल में वो इतने खतरनाक लग रहे हैं कि मतलब अग्निपथ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब ढंग से देखा जाए तो जो विलन की जो एंट्री हुई है वो तब से हुई है। और पुरानी मूवीज की बात नहीं करते लेकिन जो बात करते हैं इससे, तो मतलब अग्निपथ के अंदर हुआ, उसके बाद में केजीएफ है, और उसके बाद में अब ये जो शमशेरा आया है इसके अंदर भी इनका रोल है वो काफी दासु होने वाला है। तो मतलब बैक टू बैक उनका, और रणवीर कपूर भी अपनी लीग से हटकर मूवीज बना रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मास्त्र आने वाली है, इसके अलावा ये जो शमशेरा ही है, तो ये दोनों मूवीज अभी तक उनके लीग से हटकर कुछ अलग काम किए उन्होंने, और बहुत बड़ा होने वाला है। ब्रह्मास्त्र भी कुछ होने वाला है, हालांकि ब्रह्मास्त्र में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि मतलब मार्वल से कॉपी की हुई है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आइडिया अलग चीज़ होती है, कॉपी अलग चीज़ होती है, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा उनको, क्योंकि कुछ भी नया इंडियन करेंगे तो हमें कंपेरिजन डीसी कॉमिक्स के साथ या मार्वल के साथ नहीं करना है, वो अभी बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं ना कम से कम, वो सबसे बड़ी बात हो, आगे चलकर जरूर हम भी अच्छा कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये टीजर था, वो कैसा लगा, ये रिएक्शन कैसा लगा, ये बातें कैसे लगी जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।